2017 का जो स्थिति केदारनाथ विधानसभा की थी वो बेहद अलग थी। मनोज रावत जो कि कांग्रेस के विधायक हैं वहां से जीत कर पहुंचे हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं इस बार, वो इस वजह से भी जीते क्योंकि उस सीट पर भाजपा के तौर से, भाजपा की तरफ से जिनको टिकट दिया गया वो उससे पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस की विधायक थी शैला रानी रावत। 2016 में वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और विधानसभा चुनाव लड़ाया। लेकिन क्योंकि वहां से जो तैयारी कर रही थी पूर्व विधायक आशा नौटियाल, वो नाराज हो गए और वो चुनाव मैदान में उतर गए चुनाव निर्दलीय लड़ने के लिए, जिसकी वजह से भाजपा को बड़ा खामियाजा हुआ। इतना ही नहीं, एक निर्दलीय प्रत्याशी उस सीट पर बहुत मजबूत थे, कुलदीप रावत, और कुलदीप रावत ने भी बहुत अधिक संख्या में वोट काटे। ये कहा जा सकता है कि यदि निर्दलीय तौर पर कुलदीप रावत विधानसभा पहुंच जाते, अगर आशा नौटियाल चुनाव के मैदान में नहीं होती, और क्योंकि कुलदीप रावत मनोज रावत के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे और इस बार भी वो सीट बहुत हॉट हो सकती है क्योंकि इस बार भी उस सीट से चार मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत, बीजेपी की तरफ से शैला रानी रावत और आम आदमी पार्टी की तरफ से सुमंत तिवारी जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और फिर एक बार वही चेहरा जिस चेहरे की वजह से उस सीट की पूरी स्थिति बदल गई थी, कुलदीप रावत निर्दलीय प्रत्याशी। और ये उम्मीद की जा रही कि शायद इस बार उस सीट पर कुछ बदलाव होगा, बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई नया चेहरा उभर कर विधानसभा पहुंचेगा। वहीं अगर रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट होती हुई नजर आ रही है और शायद इस सीट पर भाजपा को एक बड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि इस सीट से कांग्रेस से जिनको टिकट दिया गया है प्रदीप थपलियाल, वो एक युवा तौर पर देखा जाता है, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं वो जखोली के, और इस बार क्योंकि उस सीट पर माधवर सिंह कंडवारी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और बहुत अधिक संख्या में वो वोट काटते हुए नजर आएंगे।